जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। ऐसा कुछ हमें याद नहीं है, तो उम्र बहुत कम थी, 4 साल का था, पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ हद तक याद है कि हम गली नीचे बैठे हुए थे, बाहर दो बच्ची और हम, मैं ऊपर चला गया, ऊपर बीवी लड़का भी ऊपर चला गया, आ गया, साथ दरवाजा खटखटाते रहे, हम एक कमरे बंद कर दिया और उसके बाद हमें कमरे बंद कर दिया। फिर ऐसा कुछ कहा कि हमारे ताई जी, हमारे ताऊ जी ने हमारी ताई जी और हमारी उनकी अपनी लड़कियाँ को तो बचाने के लिए, वो नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। तो वो हादसा जो था वो पूरे परिवार में आज तक हमें भी जब भी देखते हैं हमारा दिल भर आता है। कितना खौफ था, कितना डर था उस समय जब ये बंटवारा हो रहा था, तो आप लोगों सब अपनी जान बचाने की सोच रहे, सब भाग रहे थे, जा रहे थे, और हम तो दादी हमें लेके आ गई, फिर कैंपों में हम रहे, खाना मिलता था, रोटी शक्कर डाल के रखते थे। एक बात आपने अभी जिक्र किया था कि हम लोग रेलवे स्टेशन जाते थे अपने परिवार वालों की तलाश में, वो क्या? नहीं, वो जब हम कैंपों में थे तो हमें रोटी मिलती थी, रोटी भी एक आध देते थे, और दादी जी को हमारी दादी आधी रोटी मुझे देती, आधी मेरे बड़े भाई को देती, और खुद चाय भूखी रखती। और फिर वहाँ से जब हम ट्रेनों में डाके में यहाँ हिंदुस्तान भेजा, तो हमारे पिताजी स्टेशन में जाते थे, देखते थे हमारी बच्चे किस गाड़ी में आ रहे हैं, तो गाड़ी में ढूंढते थे वो, तो बाई चांस हो जाए हम मिल गए, नहीं तो कहीं तो मिले, कहीं मिले नहीं, हमें दिख गए तो हमें पकड़ ले लिया, साथ बुला लिया, हमारे पास आ गए, अगर हम नहीं मिलते तो हम भी आज तक लापता रहते। उस समय का जो खौफ था, कहते हैं कि मतलब इतना डर हो गया था कि सब लोग अपना चला चलाया कारोबार कुछ, हाँ, सब लोग ऐसे भाग दो बची थी, कोई भाग रहा, कोई देख रहा, कुछ सब सोचे कि जो समेट सकते, जो हाथ में आया तो वो ले लिया, जो नहीं आया तो छूट गया, सब भाग, कहीं तो खाली, हम तो खाली आती है, हमारे जो पिताजी वगैरह था वो तो खाली आती है, कई लोग लाए भी, हम तो खाली आता है, जो हाथ में आता है वो, जो जेब में हाथ भी आता है वो, यह बाकी उठा के सामान आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी पांच जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5jany@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहे तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5jany@gmail.com। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी।